हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। चलिए अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? आंसर नंबर ए, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ में मेजर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम बताने। तो मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर मीन्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मीन्स साउदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं उनके नाम लिखने हैं, पर सिर्फ इनका, जैसे कि किसी का सिर्फ इतना सा पार्ट आता है, इतना सा। जैसे कि कोई, जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका है, तो उसका इतना सा पार्ट यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, तो उसे हम लोग नहीं लिखे, यहाँ लिखा लाई इंटायरली। सी का क्या होगा? 2 कॉन्टिनेंट्स लाइंग इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका होते थे, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, तो यहाँ एशिया है, यहाँ यूरोप है, अफ्रीका, नॉर्थ या साउथ अमेरिका, या नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऐसे रहेगा। तो ये जो अंटार्कटिका है, देखो साउदर्न यहाँ ऐसे होता है ना, ये यानी यहाँ होगा शायद से, थोड़ा मेजरमेंट लगता है, गलत हो गया है। हाँ फिर भी ये ऑस्ट्रेलिया थोड़ा साउथ में ही रहता है वो पूरा, और देखो ये लोग हाफ डिवाइड होते हैं ऐसे, और ये तो पूरा नॉर्थ ही में है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में, साउथ ये नॉर्थ, तो इसलिए यहाँ इंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर होगा। अगर पूछा होता कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारा एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, आर्कटिक सर्कल, ये सब आ जाते हैं हमारे। ओके, D1, नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं, जैसे कि हमने ऐसे बनाया था ना, जैसे कि हमारा ये एटमॉस्फेयर है अर्थ, तो ऐसे एटमॉस्फेयर तो यहाँ लेयर्स में डिवाइड होता है ना एटमॉस्फेयर को, तो वो सारे लेयर्स कौन कौन से, उनको नेम हमने लिस्ट आउट करना है, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। TSMTE, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ये 5 लेयर जो है हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है। अब पूछ रहा है जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट क्या कहलाता है? ये अर्थ हमें ब्लू प्लैनेट क्यों कहलाता है? अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पूरा ही ब्लू है, मतलब थोड़ा सा यहाँ जैसे एशिया हो गया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका मुझे वाइट से करना चाहिए था पता है, और यहाँ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, सब हो गया, ग्रीनलैंड, हाँ यहाँ अफ्रीका हो गया, नहीं अफ्रीका थोड़ा इधर है ना, हाँ मतलब तो ज़्यादातर पार्ट हमें यहाँ ब्लू ही दिख रहा है ना, ज़्यादातर हमारा पार्ट कौन सा है? ये पूरा पार्ट हमारा ब्लू है, तो इसलिए हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो बोल रहा है अर्थ ब्लू प्लैनेट इसलिए कहलाता है क्योंकि इट इज़ द ओनली प्लैनेट सो फार विच हैज वाटर। एक तो ये एक प्लैनेट है जिसके पास पानी है, इसमें लार्ज अमाउंट क्या है, पानी है। इट्स लुक ब्लू फ्रॉम द स्काई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। जब हम इसे मतलब आसमान से देखते हैं, जैसे कि हम इसे
स्पेस से देखते तो ये ब्लू दिखता है ज़्यादा पार्ट, क्योंकि इसका ज़्यादा पार्ट ब्लू है, वाटर है, तो इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाई द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड ऑफ हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसे लैंड ऑफ हेमिस्फीयर को कहते हैं। आसान, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लैंड। अब इतने आंसर को इसमें बड़ा सा दिया है, क्या दिया, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो लैंड ऑफ हेमिस्फीयर इसलिए कहलाता है क्योंकि जो ग्रेटर पार्ट है लैंड मास मीन्स लैंड पार्ट जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज होता है। और जैसे अगर हम किसी चीज़ को बताते हैं तो उसे 100 में से बताते हैं, 100% में से बताते हैं, ये नहीं कि 80% में से बताते, चाहे जितना ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे हम लोग 100% एक सबसे लार्जेस्ट और मतलब टोटल अमाउंट होता है 100%, उसमें से हम किसी को बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ बताया कि 70% जो है वो नॉर्दर्न में है, 70% ये नॉर्दर्न में है, और तब बताइए यहाँ साउथ में कितना होगा, 30% ये साउथ में, सिर्फ 30% लैंड मास। वाटर बॉडीज एरिया स्मॉलर इन, अच्छा नहीं, पूरे एरिया की बात हो रही है, पूरे एरिया की, सिर्फ नॉर्दर्न की नहीं, पूरे एरिया की बात हो रही है। तो 70% लैंड मास है, इट इज़ मोर देन 70% ऑफ टोटल एरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करते हैं, और मोर देन 70% उसका टोटल एरिया है। वाटर बॉडीज एरिया इज स्मॉलर इन दिस हेमिस्फीयर, इट इज़ ओनली 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेंटेंस कन्फ्यूजन हो रही है, ये बोल रहा है कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है, और बोल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 70% जो है यहाँ पे लैंड है और 30% यहाँ पे वाटर है। यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं हुई, इसलिए यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में नहीं बताए, यहाँ सिर्फ बताया मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। बोल रहा है व्हाई इज़ द बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोल रहे बायोस्फीयर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की क्या इम्पोर्टेंस है। बायोस्फीयर सस्टेनेबल ऑल लाइफ फॉर्म्स, और वो लाइफ जितनी लाइफ के फॉर्म्स होते हैं, जैसे ये एक इंसेक्ट एक बैक्टीरिया से लेके एक एलिफेंट तक या जिराफ चाहे जो ले लो, बायोस्फीयर से सस्टेनेबल करते हैं। अब बायोस्फीयर क्या होता है, ये हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर है। अब हमारा बायोस्फीयर कैसे बनता है ये हम देखते हैं, हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, यहाँ हमारा होगा एटमॉस्फीयर, और यहाँ होगा हमारा लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब जो हमारा ये वाला जो पार्ट है हमारी, ये इसमें हमारा हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, लिथोस्फीयर सब मिलके हमारा ये वाला पार्ट जो हुआ वो हो गया हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सिर्फ यही हमारा यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करती है, यहाँ बायोस्फीयर में ये हमें फूड ग्रो करने में मदद करते हैं। जब हमारे प्लांट्स को पानी मिलेगा, अच्छी रोशनी मिलेगी, उगने के लिए जगह मिलेगी, तभी तो वो ग्रो होंगे। ये स्टेज ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ टू एक्ट अपॉन, इट शुड बी पोल्यूशन फ्री, बिकॉज पोल्यूशन इज इंजरियस टू लाइफ फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर है। अब हम देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर्स, द माउंटेन रिज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज, इसका आंसर होगा द यूराल्स, क्योंकि यूराल्स ही होता है जो हमारे जैसे कि हमारा एशिया वर्ल्ड है, यहाँ हमारा एशिया है तो इतना पार्ट हमारा यूरोप है, तो यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जो हमारा सेपरेट करता है उसको, यूरोप को और एशिया को, यहाँ पे एक माउंटेन है, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, इन दोनों को सेपरेट करता है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन लिंक करता है वो है एन
इस्थमस, इस्थमस उसे लिंक करता है, ये हमने पढ़ा है इस चैप्टर में ही। द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द एटमोसफियर बाय परसेंट इज, मतलब कौन सा एटमोसफियर में ज़्यादा परसेंट में है एयर, तो होती है हमारी नाइट्रोजन। द डोमेन्स ऑफ अर्थ कॉन्सिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, ऐसा कौन सा डोमेन्स ऑफ अर्थ है जो सॉलिड, मतलब डोमेन्स मतलब कि क्या क्या कंपोनेंट्स जिससे हमारा अर्थ बना है, मतलब हमारा बायोस्फीयर बना है। तो हम बायोस्फीयर किन चीज़ों से बना है, हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर और लिथोस्फीयर, इन तीनों चीज़ों से एटमोसफियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर से बना है। एटमोसफियर क्या है, एयर है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, वाटर है, लिथोस्फीयर क्या है, लैंड है। तो ये पूछ रहा है कौन सा हमारा सॉलिड है, तो ये लिथोस्फीयर हो गया। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये तो आप आँख बंद बिना सोचे बता सकते हैं ऐसे, एशिया। अब हमारा बोल रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डैश इन द पैसिफिक ओशन, कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है, तो हमारा इसका आंसर है मरीना ट्रेड। हम इसकी कितना डीप है वो भी लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या है, मरीना ट्रेड, इसकी स्पेलिंग है MARINA TRAD, मरीना ट्रेड। और इसकी कितनी डेप्थ है, 11,022 meters, इसकी डेप्थ है। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, तो कौन सा ऐसा ओशन है, ये हमारा फेवरेट होगा, इंडियन ओशन, ये इंडियन की इंडिया कंट्री के बाद इसका नाम पड़ा था, इंडियन ओशन। द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ, बायोस्फीयर तो है, बायोस्फीयर से कोई अच्छा हो सकता है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया, यूरेशिया यूरोप और एशिया, यूरेशिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ इज, कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हम लोग, इतना नहीं पता होगा, माउंट एवरेस्ट। इसकी इसकी हाइट कितनी है, 8,000 इसकी डेप्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे चैप्टर हो गया है कंप्लीट, इसकी एक्सरसाइजेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।